हेलो एंड वेलकम बैक टू मरीन बुक 28। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 एमई के मरीन इंजीनियरिंग फॉर जीपी रेटिंग। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? चैप्टर नंबर 2 का जैसे नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बेसिक टर्निंग एंड फिटिंग्स। तो जो टर्निंग एंड फिटिंग्स है, ये हमारा चैप्टर बिलोंग करता है वर्कशॉप से। ओके, वर्कशॉप में ये चैप्टर आपको पूरा हेल्प करेगा। इसमें क्या क्या टूल्स यूज होते हैं वर्कशॉप में, शिप में कौन से टूल्स यूज होते हैं, सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये यहाँ से शुरुआत से जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये इंट्रोडक्शन का अपना इतना इम्पोर्टेंस है नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए अपनी बुक में, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, ज़रूरी है वो शुरू करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर टूल्स ऑन बोर्ड द शिप, मिस शिप में आप कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो शिप में आप यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर हैमर मतलब हथौड़ा, छेनी मतलब छीजल, स्क्रू ड्राइवर, बेंच वाइस, फाइल्स जिसको रेती बोलते हैं, हैक्सॉ आरी बोलते हैं जिसको लोहे काटने वाली आरी, पंचेस, स्पेनर्स, प्लायर्स, लिफ्टिंग टैकल्स एंड डाई नट्स एंड सेट्स। ओके, एंड मिसेलेनियस। अब यहाँ पे मैं ये तो सारे नाम दिए गए हैं, ये नाम आपको आगे पढ़ने हैं, ये नाम पढ़ते जाइएगा। और सारे टूल्स नीचे दिए गए हैं, मैं सारे के सारे दिखा देता हूँ एक एक करके। देखो यहाँ पे जो पहला टूल से कौन सा है, ये हैमर। पहले हम हैमर देख लेते हैं। ठीक है, यह है हैमर। तो हैमर देखेंगे आप नीचे, यहाँ पे पहला दिख रहा है आपको, ये बॉल पिन हैमर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैमर बी यूज ऑन शिप, ये क्रॉस पिन हैमर है, ये रबर मैलेट है, और ये है आपका सॉफ्ट हैमर। ओके, यहाँ पे ये बॉल पिन हैमर दिया गया है, और ये देखो यहाँ पे एक आदमी है जो हाथ में हैमर लिए हुए है, दिख रहा है, ये हैमर लिए हुए है हाथ में, और ये यहाँ पे हाथ में छीजल पकड़े हुए, दिख रहा है आप, ये यहाँ पे देखेंगे छीजल है हाथ में, और ये किसी वर्क पीस में छीजल लगाए हुए है और हथौड़े से इसको मार रहा है, मतलब यहाँ से ये इसको ऐसे स्ट्राइक करेगा, किस पर, छीजल पर। ओके, और जो वर्क पीस को जिसमें लगाए हुए है, मतलब ये वाला इक्विपमेंट जो है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेंच वाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंच वाइस, समझ में आ रहा होगा आपको। नीचे आएंगे तो ये है स्लज हैमर, ये है आपके क्रॉस पेन हैमर। ओके, यहाँ पे क्लो हैमर दी गई है, ये देखो लिखा हुआ है क्लो हैमर। क्लो हैमर नॉर्मली नेल्स में यूज करते हैं, जो कीले होते हैं ना, उनको ठोंकने के लिए और उनको निकालने के लिए हम क्लो हैमर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आएंगे तो देखेंगे बेंच वाइस। ये बेंच वाइस के सारे पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए एक बार, अगर आपके बुक में नहीं लिखे हैं तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ओके, ये बेंच वाइस के ही पार्ट्स हैं ये सारे के सारे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फाइल्स। ओके, ये फ्लैट फाइल है, और नीचे आएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो ये फ्लैट फाइल है, ये भी फ्लैट फाइल है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सेकंड कट फाइल है और ये फाइन कट फाइल है। ये हाफ राउंड फाइल है आपकी, ये राउंड फाइल है, ये ट्रायंगुलर फाइल है, और ये स्क्वायर फाइल है। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फाइल, जब करते हैं आप तो वहाँ पे ब्रश से क्लीन करना है उसको, उसके ऊपर में ऑयल अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद में आएंगे नीचे हैक्सॉ, तो ये देखेंगे यहाँ पे फिक्स फ्रेम हैक्सॉ है, ये एडजस्टेबल हैक्सॉ है। ओके, ये हैक्सॉ ब्लेड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हैक्सॉ ब्लेड है, और ये फ्रेम अलग होता है। ठीक है, ये हैक्सॉ के पार्ट है, ये ब्लेड का साइज दिया गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद में ये एफ क्लैंप है, यहाँ पे सी नहीं है, ये जी नहीं है, ये सी क्लैंप है। ठीक है, ये कौन सा क्लैंप है, ये सी क्लैंप, ये सी क्लैंप है। ठीक है, और ये एफ क्लैंप है आपका, ये देखो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए एफ क्लैंप का यूज कर, सी क्लैंप दोनों का यूज करते हैं। ये है टोंग है, ये टोंग नीचे वाला नहीं है बेटा, टोंग ये वाला है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं क्रो प्लायर। ओके, प्लम्बर रेंच। यहाँ चिपिंग हैमर दी गई है जो बेल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूल्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं आपकी बुक में। अब नीचे आएंगे स्पेनर्स के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, ये देखो ये जो स्पेनर्स हैं, इनको आप गांव में, घर में, अपने किसी भी नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए यूज करते हो। ठीक, तो जब मेंटेनेंस में यूज करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेनर आपको बताए गए हैं। ये जितने भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेनर हैं, इनको हम यूज करेंगे, और इनका आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम में आपको ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाए।
ओके तो ये स्पैनर आपको ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये यहाँ पे ये जो दिया गया है ना कि ये जो स्पैनर है ये वाला, ये 13 mm का स्पैनर है, मतलब ये जो बोल्ट है ये 13 mm का है और इसका बोल्ट का जो डायमीटर है वो कितना है, 8 mm का है। तो ऑनलाइन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 8 mm के बोल्ट को ओपन करने के लिए कितने सेंटीमीटर, कितने mm का स्पैनर लगेगा। तो यहाँ पर कितने का, 8 mm के लिए कितना लग रहा है, यहाँ पर 13 का लग रहा है। ये क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में 200% पूछे जाने वाला है। ओके ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पैनर के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ओपन एंड स्पैनर, ये वाला, ये इसमें देखो ये नॉर्मल पाना बोलते हैं इसके घर पर हम, ये पाना जो इसमें दोनों साइड में इधर भी रिंग है और इधर भी रिंग है, दोनों साइड में रिंग होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम रिंग स्पैनर। यहाँ पे एक साइड रिंग है ये और ये साइड ओपन है, तो इसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन स्पैनर। यहाँ पे देखो ये रिंग तो है बट कटा हुआ है बीच में, इधर भी रिंग है लेकिन कटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फ्लेयर नट स्पैनर। ये है क्रोफुट स्पैनर और ये है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का दूसरा नाम होता है स्क्रू स्पैनर, ठीक है, स्क्रू स्पैनर। तो इसको हम स्क्रू स्पैनर या क्रोफुट स्पैनर दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो सॉकेट स्पैनर, ये आपने देखा होगा, ये सॉकेट स्पैनर को हम ट्यूबुलर स्पैनर भी बोलते हैं। ओके ट्यूबुलर स्पैनर भी इनको बोलते हैं, सॉकेट स्पैनर को। आगे आएंगे तो ये सॉकेट स्पैनर के हैंडल और एक्सटेंशंस है। ये सॉकेट स्पैनर का पूरा सेट दिया गया है यहाँ पे। फिर नीचे आएंगे तो ये हैवी ड्यूटी स्पैनर है दोनों, ये दोनों, ठीक है, जिनको हम स्लॉगिंग स्पैनर भी बोलते हैं। देखो नाम लिखा है स्लॉगिंग स्पैनर, मीन्स क्या होता है कि जो नट बोल्ट बहुत दिनों से खोले नहीं जाते हैं और उनको खोलना होता है तो उनको हथौड़ा मार के खोलना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा, आपको ये स्पैनर लगाओ और इस पे इस पोर्शन पे स्ट्राइकिंग करो हैमर से और आप इसको दोनों को हम स्पैनर को यूज़ करके आप कितने भी पुराने नट बोल्ट होंगे उनको ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये है पाइप रेंच, यहाँ पर देखेंगे आप, ये पाइप रेंच है जो प्लम्बिंग में यूज होती है, ठीक है, प्लम्बिंग में हम पाइप रेंच का यूज करते हैं। ये प्लम्बर रिंच है, इसको कौआ प्लायर बोलते हैं गांव में, घर में सब लोग, यहां देख रहे हैं आपको, ये प्लम्बर रिंच है। ओके यहां पर नीचे आएंगे अगर तो देखेंगे ये इस पे, ये प्लायर है, प्लास जिसको बोलते हो, प्लास बोलते हो ना आप उसको, प्लायर बोलते हैं। तो ये क्या है, प्लायर है, ये भी प्लायर है, दोनों में डिफरेंस देखिए। इस प्लायर में यहां पर देखो ये ऐसे प्लास्टिक ऊपर की तरफ है और इस प्लायर में यहां पर कुछ भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये जो प्लायर है ये वाला, ये प्लायर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है, बिजली के किसी भी काम में हम इस प्लायर का यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, ये वाला प्लायर का। और ये है हमारा नॉर्मल प्लायर, ये बिजली के वर्क में काम नहीं कर सकते, जब भी बिजली पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे तो आप इस प्लायर को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंसुलेटेड नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्रोटेक्शन दिया गया ना कि आपका हाथ जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर से टच नहीं होगा, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपका सीधा सीधा लाइव वायर आपके हाथ से टच हो सकता है, इस वेरी डेंजरस है, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये वाला नोज प्लायर है, ये वाला वेंट नोज प्लायर है। ओके तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लायर्स थे। उसके बाद और नीचे आएंगे यहाँ पर सेट ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, ये स्क्रू ड्राइवर हैं सारे के सारे, पूरा सेट है। ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, जिनको आप स्टार बोलते हो ना या प्लस बोलते हो ना, ये वाला, ये फिलिप्स होता है और ये माइनस वाला होता है, ठीक है। ये स्टू भी है, स्टू मतलब छोटे छोटे, देख रहे हैं आप, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस को क्या बोलते हैं, फिलिप्स बोलते हैं। ये रीमर और आउल है, ठीक है, ये आउल है, ये रीमर है, ये होल्स को क्लीन करने के लिए यूज होता है और ये यहाँ पर होल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग तो यहाँ देखेंगे ये पंचिस और चीजल का सेट है। तो यहाँ पे देखेंगे ये डायमंड पॉइंट चीजल है, ओके, और ये दोनों के दोनों फ्लैट चीजल हैं और ये हैं क्या, सेंटर पंचिस हैं, ये पंच दिया गया और यहाँ बीच में एक सेंटर पंच दिया गया। देखो यहाँ से ये होल पंच का पूरा सेट दिया गया है। ये होल पंच क्या करते हैं, रबर सीट में होल क्रिएट करने के लिए हम होल पंच का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे हैंड टूल्स यूज्ड इन द वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप में इतने तरह के हैंड टूल हम यूज करेंगे। ओके इसके आगे के हैंड टूल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई भी कमेंट हो अगर आपका तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। ओके सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।